नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्नत की दुकान। उत्तर पश्चिम जिला की साइबर थाना पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बेगुनाहों को नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आमिर जिशम, राहुल सिंह राजावत, रेखा और शिवम शर्मा के रूप में हुई है। द्वारका के सेक्टर 7 में फर्जी कॉल सेंटर से 10 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 7 एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और दस्तावेज बरामद किए गए। डीसीपी जितेंद्र कुमार मीणा के मुताबिक 3 जनवरी को शकरपुर के रहने वाले 21 वर्षीय मनीष गुप्ता ने साइबर थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि नौकरी की तलाश के दौरान उसने एक वेब पोर्टल पर नौकरी के लिए आवेदन दिया। कुछ दिनों बाद उनके पास एक फोन आया और उन्हें HDFC बैंक में अकाउंटेंट की नौकरी की पेशकश की गई। आरोपित ने पंजीकरण शुल्क के रूप में 1500 रुपए मांगे और उन्होंने स्थानांतरित कर दिए। इसके बाद उसका ऑनलाइन टेस्ट और टेलीफोनिक साक्षात्कार लिया गया और ईमेल के माध्यम से ऑफर लेटर भेजा गया। शिकायतकर्ता से अलग अलग बहाने लैपटॉप शुल्क के लिए, सैलरी अकाउंट खोलने के लिए, स्वास्थ्य बीमा के लिए, पोशाक और जूते के लिए और ID आदि के लिए रुपए मांगे गए और वादा किया गया कि उसकी नौकरी के 1 वर्ष के बाद पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। उसने मांगे गए रुपए उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। इसके अलावा फिर से उसे पार्सल आदि भेजने के लिए रुपए 22,500 मांगे गए। तब उसे अपने साथ ठगी का संदेह हुआ कि उससे नौकरी देने के बहाने अज्ञात लोगों ने 69,080 रुपए ठग लिए हैं। इसके बाद साइबर थाना में मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू की गई। मामले की जांच के लिए ACP पंकज सिंह की निगरानी और साइबर थाना के SHO इंस्पेक्टर विजेंद्र की अगुवाई में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने ट्रांसफार्मर की गई राशि का विश्लेषण किया और लाभार्थी के बैंक खातों का विवरण एकत्र किया। प्राप्त जानकारी और विवरण के आधार पर सेक्टर 7 द्वारका में एक छापेमारी की गई, जहां एक महिला सहित 3 लोग एक कॉल सेंटर चलाते पाए गए। जांच में पता चला कि आरोपी आमिर जिशम और आरोपी राहुल राजावत कॉल सेंटर में 50% के भागीदार हैं। उन्होंने आरोपी रेखा को 20,000 रुपए के मासिक वेतन पर टेलीकॉलर के रूप में नियुक्त किया था और उसने कमीशन के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के बैंक खातों और सिम कार्ड की व्यवस्था भी की थी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।